दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जनवरी 2023 की थर्ड वीक की 28 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक रोजगार समाचार की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 8वीं 10वीं 12वीं पास और डिग्री धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 से अधिक वैकेंसी जहां पर निकली है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह की 28 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है CISF में। कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है, 451 वैकेंसीज निकली है। 23 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट 22 फरवरी 2023 है। लेवल 3 के अंतर्गत सेली है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो CISF Recruit.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है SSC में। MTS हवलदार की पोस्ट है, 7,000 से अधिक पद है। 17 जनवरी से 17 फरवरी तक आवेदन चलेंगे, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है यंत्र इंडिया लिमिटेड ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5,450 वैकेंसीज है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट फरवरी 2023 में है। 10th पास और 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो yantraindia.co.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आयकर विभाग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट MTS की भर्ती है। 6 फरवरी तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। 10वीं पास और डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो tnincometax.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो निकली है होमगार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान में। होमगार्ड वॉलंटियर की पोस्ट है, 3,842 वैकेंसीज है। 11 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है, ₹250 और ₹200 फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, home.rajasthan.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है UP पंचायती राज डिपार्टमेंट में। पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, 3,544 वैकेंसीज है। 17 जनवरी से 2 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है, panchayatiraj.up.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो निकली है MPPEB के अंतर्गत। ग्रुप 4 की यहाँ पर पोस्ट है, 2,716 वैकेंसीज है। 6 मार्च से 20 मार्च तक आवेदन चलेंगे। 12th डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40-45 वर्ष आयु सीमा है, 500, 250, 60, 20 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP जॉब लोकेशन है, pb.mp.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 8 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है BRO के अंतर्गत। रेडियो मैकेनिक ऑपरेटर कम्युनिकेशन ड्राइवर व्हीकल मैकेनिक और भी पोस्ट है, 567 वैकेंसीज निकली है। 15 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25-27 वर्ष आयु सीमा है, ₹50 फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। BRO.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है।
उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है MHSRB के अंतर्गत स्टाफ नर्स के लिए 5204 वैकेंसीज है। 25 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। GNM BSC नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 44 वर्ष आयु सीमा है। 500-200 रुपये फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है MHSRB.telangana.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 10th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है RRC NWR रेलवे में। अप्रेंटिस के लिए 2026 वैकेंसीज है। 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRC jaipur.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब है वो निकली है असम पुलिस डिपार्टमेंट में। कुक, बार्बर, वाटर कैरियर, धोबी, कोबलर, साथ सफाई कर्मचारी और भी पोस्ट है। 928 वैकेंसीज निकली हुई है। 8 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 8वीं, 10वीं, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। यहाँ पर भी आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। SLPRBASAM.IN पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है वो भी असम एक्साइज डिपार्टमेंट में निकली है। एक्साइज कॉन्स्टेबल की भर्ती है। 222 वैकेंसीज है। 8 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। SLPRBASAM.IN पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर की जॉब है वो निकली है होमगार्ड डिपार्टमेंट असम में। कॉन्स्टेबल ग्रेड 3rd की पोस्ट है। 211 वैकेंसीज है। 5 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। SLPRBASAM.IN पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर की जॉब है वो निकली है वन विभाग जेल विभाग के अंतर्गत। फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, प्रिशन गार्ड की पोस्ट है। 2112 वैकेंसीज है। 20 जनवरी से 3 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 560-310 रुपये फीस है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चेन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP जॉब लोकेशन है। pb.mp.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 15 नंबर की जॉब है वो निकली है RRC SER रेलवे में। अप्रेंटिस के लिए 1785 पद है। 2 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRCSER.CO.IN पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 16 नंबर की जॉब है वो निकले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में। चौकीदार के लिए यहाँ पर 315 वैकेंसीज है। 1 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35, 37, 38, 40 वर्ष आयु सीमा है। 200-100 रुपये फीस है। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 17 नंबर की जॉब है वो निकली है UKMSSB के अंतर्गत। नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल की भर्ती है। 1564 वैकेंसीज है। 1 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। GNM BSC नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। 300-150 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। UKMSSB.org पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 18 नंबर की जॉब है वो निकली है तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती है। 113 वैकेंसीज है। 1 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 39 वर्ष आयु सीमा है। 320 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है। TSPSC.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर की जॉब है वो निकली है DSC असम में। ग्रेजुएट टीचर के लिए 7500 वैकेंसीज है। 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री PG डिग्री BEd से आप अप्लाई कर सकते हो।
18 से 43 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है, madhyamik.assam.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 20 नंबर की जॉब है वो निकले तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस सबॉर्डिनेट प्रोसेस सर्वर रिकॉर्ड असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, 1900 से अधिक पद है। 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 34 वर्ष आयु सीमा है, 600-400 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, tssc.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 21 नंबर की जॉब है वो भी DSC असम में निकली है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 1385 वैकेंसीज है, 30 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। PG डिग्री BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 40 41 43 वर्ष आयु सीमा है, यहाँ पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है, madhyamik.assam.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 22 नंबर की जॉब है वो निकली है ओडिशा फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए 659 वैकेंसीज है, 30 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, opsc.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 23 नंबर की जॉब है वो निकली है RRC SCR रेलवे में ACT अप्रेंटिस के लिए 4103 वैकेंसीज है, 29 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है, 100 रुपये फीस है, SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो scr.indianrailways.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 24 नंबर की जॉब है वो निकली है TSPSC में पोस्टल वेलफेयर ऑफिसर वार्डन मेट्रोन लेडी सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, 581 वैकेंसीज है, 27 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 44 वर्ष आयु सीमा है, 280 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, tspsc.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 25 नंबर की जॉब है वो निकली ओडिशा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, 3481 पद है, 27 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, opsc.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 26 नंबर की जॉब है वो भी APSC में निकली है, यहाँ पर कंबाइंड प्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भर्ती होगी, 2028 पद है, 26 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है, apsc.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 27 नंबर की जॉब है वो निकली है CRPF में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की पोस्ट है, 1458 पद खाली है, 25 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है, 100 रुपये फीस है, SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, रिटर्न फिजिकल मेडिकल टाइपिंग से चयन होगा, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो crpf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 28 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकली है SGPGIMS में नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, 905 पद है, 25 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर BSc नर्सिंग और JNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है, 1180-708 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP जॉब लोकेशन है, hgpgims.org.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह की टॉप 28 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।